गाइस अभी कुछ टाइम पहले काफी बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था और अभी यही काम यूट्यूब इंडिया के अंदर हो रहा है। कैरी मिनाटी का जो सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कैरीज लाइव, गाइस उसको हैक कर लिया गया है और भी काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल को हैक कर लिया गया है, जैसे कि 8bit थक जो कि गेमिंग वीडियो बनाते हैं उनके चैनल को भी हैक कर लिया गया है। गाइस जैसे कि एक और चैनल था जिसका नाम था शायद डांस फिट, उस चैनल को भी हैक कर लिया था अभी कुछ टाइम पहले और भी काफी सारे चैनल को अभी रिसेंटली हैक किया गया है। सो गाइस ऐसा YouTube इंडिया के अंदर खतरा बढ़ जाता है। गाइस अगर आपका चैनल है वो भी हैक हो सकता है। सो हम जानने वाले हैं कि ये सभी चैनल हैक कैसे हो गए हैं, इन्होंने क्या गलती करी है और अगर आपका चैनल है तो आप इस हैकिंग से कैसे बच सकते हैं। सो वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस अभी ट्विटर के बाद यूट्यूब के ऊपर खतरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो गाइस अभी कुछ भी सेफ नहीं है, जैसे कि कैरी मिनाटी का चैनल यहाँ पर हैक हुआ, उसका जो सेकंड यूट्यूब चैनल था वो हैक हो गया, 8bit का चैनल हैक हो गया और भी काफी सारे चैनल हैक हुए हैं। गाइस यहाँ पर काफी सारी गलतियां हैं जो लोग कर देते हैं यहाँ पर मोस्ट केस के अंदर, और जो मेन वे होता है इन हैकर्स के हैक करने का वो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी ईमेल भेज सकते हैं, और जब काफी सारे लोग उस ईमेल के लालच में आकर उस लिंक के ऊपर टैप करते हैं तो उनका अकाउंट हैक हो जाता है। काफी सारे लोग उस ईमेल के ऊपर टैप करके अपनी जानकारी डाल देते हैं जैसे कि ईमेल और पासवर्ड, ऐसा करने के बाद आपका चैनल हैक हो जाता है, आपके चैनल का एक्सेस उनके पास आ जाता है और वो आपके चैनल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। काफी सारे केस में वो आपसे रुपए भी मांग सकते हैं ताकि वो आपके चैनल को वापस करें, या फिर आपके चैनल का गलत यूज कर सकते हैं, या फिर वो आपके चैनल को डिलीट भी कर देते हैं। सो हैकर्स का यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको अपने यूट्यूब के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब आपको स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी मैसेज आए। सो गाइस आप उसके ऊपर जल्दी ही क्लिक मत करें, आप उसको पहले पूरा वेरीफाई करें। कोई भी अगर आपको $1000 $2000 ऐसे ही कोई दे, सो गाइस वो फेक हो सकता है, वो हैकर हो सकता है। सो गाइस उससे बच के रहे, उनके लिंक के ऊपर टैप ना करें। मुझे भी काफी सारे ऐसे ईमेल आते हैं जो कि हैकर्स के होते हैं, जो $1000 $2000 ऐसे सारी काफी बड़ी बड़ी रकम देते हैं और वो एक लिंक देते हैं, अगर आप उस लिंक के ऊपर टैप कर दोगे तो आपका चैनल हैक हो सकता है, अगर आप वहां पर अपना एड्रेस भी डाल दोगे सभी चीजें डाल दोगे, सो काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। सो गाइस बिना वेरीफाई करे कि किसने ईमेल भेजा है अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो उसके ऊपर टैप ना करें। आप अपने यूट्यूब चैनल का 2-स्टेप वेरीफिकेशन, अपने जीमेल का 2-स्टेप वेरीफिकेशन, या फिर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसका 2-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें। YouTube वाले भी बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट का 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो आपको जरूर 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहिए। जैसे कि अभी 8bit का, कैरीज लाइव का और भी काफी सारे चैनल हैक हुए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी ऐसे फेक लिंक के ऊपर टैप कर दिया हो जिसे इनका चैनल हैक हो गया हो। सो गाइस ये रीजन जरूर हो सकता है। सो आपको भी ऐसे बच के रहना है, अपने चैनल को हैक नहीं होने देना है। गाइस 2-स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको किसी भी लिंक के ऊपर शक हो उसके ऊपर आप टैप ना करें, कहीं पर भी अपनी जानकारी को शेयर ना करें। गाइस अगर आपका चैनल हैक हो जाए तो आपको डायरेक्ट YouTube को ही कॉन्टैक्ट करना है, वही आपकी हेल्प करने वाले हैं, वही गाइस आपका चैनल वापस लाकर देने वाले हैं। तो गाइस अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।